दोस्तों, ठंडी अभी ख़त्म हो गई है और गर्मी की आहट लग गई है, यानी गर्मी अभी चालू हो गई है। गर्मी चालू होने के साथ ही अगर किसी के घर में एसी नहीं है तो हम नैसर्गिक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से अपने घर को कैसे ठंडा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप दूंगी। टिप नंबर एक, अगर आपके छोटे घर या फिर बंगलो टाइप घर है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ों से नेचुरली ठंडा हवा घर को मिल जाती है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी फ्लैट में, गैलरी में या फिर जहाँ से हवा आती है वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाइए, जिसमें उस तरह से पौधों का समावेश करें जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे ऑलवेरा, सेड प्लांट्स, जीजी प्लांट्स या फिर स्नेक प्लांट। इन तरह से पौधों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो हवा वहाँ से पास होती है वो ठंडी होके आपके घर तक पहुँचती है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब आप गमलों के पास जाते हैं तो वहाँ पे ठंडा महसूस होती है। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर और आउटडोर प्लांट लगाइए। नंबर दो, अगर आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर आप बना रहे हैं तो आपके घर की जो छत होती है उसकी मोटाई ज़्यादा रखिए, यानी मोटी रखिए, ताकि आने वाली घर में घर के छत से पंखे तक ना पहुंच पाए। और उसी के साथ ही घर के छत पे आप चूना और फेविकॉल का घोल लगा दीजिए। सफ़ेद रंग से आपके घर की जो छत है वो गर्मी को कम शोषित करेगी और घर में ठंडा हक महसूस रहेगी। इसलिए बहुत से जगह पे घर को सफ़ेद रंग से पेंट करते हैं या फिर चूना लगाते हैं। नंबर तीन, अगर किसी खिड़की से धूप आती है तो उस खिड़की को अच्छी तरह से बंद करके वहाँ पे एक मोटी परत वाला पर्दा लगाए, यानी जो गर्मी होती है उस खिड़की से अंदर ना आ पाए। अगर कांच की हो तो वहाँ पे ज़रूर ही पर्दा लगाइए। नंबर चार, जिस खिड़की से या फिर दरवाजे से धूप अंदर नहीं आती हो तो उस खिड़की को या फिर दरवाजे को खुला रखें, इससे आपका क्रॉस वेंटिलेशन का हो जाएगा। यानी धूप अगर छत से गर्म हवा आती भी है तो बाहर की आने वाली ठंडी हवा से वो बाहर निकल जाएगी और घर में ठंडाहट महसूस होगी। नंबर पाँच, घर के पर्दों को मोटा रखिए, मोटा रखने के साथ उन्हें सफ़ेद भी रखिए। सफ़ेद रंग से आपके घर की जो छत है वो गर्मी को कम शोषित करेगी और घर में ठंडा हक महसूस रहेगी। इसलिए बहुत से जगह पे घर को सफ़ेद रंग से पेंट करते हैं या फिर चूना लगाते हैं। नंबर तीन, अगर किसी खिड़की से धूप आती है तो उस खिड़की को अच्छी तरह से बंद करके वहाँ पे एक मोटी परत वाला पर्दा लगाए, यानी जो गर्मी होती है उस खिड़की से अंदर ना आ पाए। अगर कांच की हो तो वहाँ पे ज़रूर ही पर्दा लगाइए। नंबर चार, जिस खिड़की से या फिर दरवाजे से धूप अंदर नहीं आती हो तो उस खिड़की को या फिर दरवाजे को खुला रखें, इससे आपका क्रॉस वेंटिलेशन का हो जाएगा। यानी धूप अगर छत से गर्म हवा आती भी है तो बाहर की आने वाली ठंडी हवा से वो बाहर निकल जाएगी और घर में ठंडाहट महसूस होगी। नंबर पाँच, घर के पर्दों को मोटा रखिए, मोटा रखने के साथ उन्हें सफ़ेद भी रखिए और उन पर्दों पे थोड़ा पानी डाल दीजिए। जब भी कभी भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पर्दों पे पानी डाल दीजिए, और पानी फ्रीज का हो तो बहुत ही अच्छा। पानी डालने के बाद यानी पर्दों को गीला करने के बाद फ़ैन को चालू कर दें। जैसे ही फ़ैन की हवा पर्दों को लगेगी, पर्दे ठंडी भाप छोड़ने लगेंगे और आपको घर में ठंडाहट महसूस होगी। तो दोस्तों, ये कुछ थे पांच उपाय जो मैंने आपको घर ठंडा करने के लिए बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।